कक्षा 10 अध्याय 1.1 प्रश्न संख्या 3 दिया है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी पैड के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? यहाँ पर हमें क्या करना है सर? ये दो बार दे दिया है। ये है हमारा मार्च, स्तंभों के अधिकतम संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। सॉरी, तो यहाँ हम आ जाएंगे, इन दोनों का हमें SCF निकालना है। तो हम आएंगे हल। हल में हमें क्या मिला? दो संख्या मिली, एक 616 और दूसरा 32। यहाँ आएंगे, चूंकि 616 ये बड़ा है 32 से, तो हम आ जाएंगे तो 616 में 32 का भाग दे देंगे। तो ये बन जाएगा 32, 31 हो जाएगा, और 11 में से 2 घटाएंगे 9 आएगा, 5 में से 3 2 मिला, 6 हमने उतार लिया। अब ये 9 बार जाएगा, 9 दुनी 18, 9 त्रिक 27, 28 हो जाएगा, 16 में से 8 8 मिलेगा। अब हमारा यहाँ पर 32 अंदर जाएगा, 8 × 32, ये पूरा हमारा कट गया। तो यहाँ हम आएंगे, चरण लिखेंगे, तो पहला चरण हमें मिल जाएगा कि नंबर 1 में कि 616 ये बराबर होगा 32 × 19, और प्लस शेषफल लेंगे तो शेषफल हमें 8 मिल जाएगा। फिर दूसरा चरण लेंगे तो हमें मिलेगा 32 बराबर होगा 8 × 4, और शेषफल 0 मिलेगा। क्या हमें क्या मिला? चूंकि शेष 0 है, इसलिए HCF जो हमें मिलेगा वो 8 मिल जाएगा। यही हमारा आंसर बन जाएगा।